इसकी मूछें देखें कितनी बड़ी बड़ी, मजे की ये मूछें, इसकी कितनी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज है नहाने का दिन, लेकिन किसके नहाने का दिन है मैं आपको दिखाता हूँ। आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपनी हुर्री को नहलाने वाले हैं, तो ये जब भी नहाने का इसका टाइम आता है ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो इससे पहले कि इसको यहाँ से निकाला जाए मुझे करनी है कुछ चीज़ें तैयार करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली दो तीन चीज़ें, ये है जी इसका शैम्पू, मैजिक कैट शैम्पू, इसके अलावा ये रोलर है। रोलर जो है वो बिल्लियों का क्या होता है, बाल वगैरह जो है इसके निकालने के लिए, लेकिन ये मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ ये। तो ये जो होता है ना, जैसे बालों में अड़ें पड़ जाती हैं तो बिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा रोल करती है, भागती दौड़ती है, तो क्या होता है कि ये जो है ये उसके बाल, जब आप शैम्पू वगैरह उसको कर लें, या कम से कम मैं ऐसे करता हूँ, शैम्पू करने के बाद बिल्ली के अड़े निकालने के लिए और जो बाल छल उसके फंसे हुए होते हैं, या ऐसे बाल जो ऑलरेडी टूट चुके हुए हैं और आपने वो निकालने हैं, तो ये उसमें बड़ा अच्छा टूल है कि आपकी बहुत हेल्प करता है। तो तैयार करते हैं सामान, शैम्पू बनाते हैं और उसके बाद हुर्री को लेके चलेंगे अंदर। तो जब भी आप बिल्ली का या परजिन है कोई भी, आप उसका नहाने का शैम्पू तैयार कर रहे हैं, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप, जैसे आप इंसान अपने सर पे लगाता है शैम्पू, आप उस तरह से लगाएं, बिल्ली को पहले गीला करें देन उसके ऊपर लगा दें। सेकंड ऑप्शन ये जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है मेरे ख्याल में, वो ये है कि आप पहले पानी में ऑलरेडी शैम्पू तैयार करें, शैम्पू वाला पानी प्रॉपर तैयार करें, देन वो पानी यूज़ करें। उसकी वजह यह कि अगर आप डायरेक्टली उस पर शैम्पू डालते हैं तो वो उसके बालों में फंसा रहने के चांस ज़्यादा होते हैं, बनिस्बत अगर आप शैम्पू वाला पानी तैयार करें और उसके बीच में उसको मतलब यूज़ करें उसके लिए। तो शैम्पू वाला पानी बिल्कुल रेडी है, हुर्री बिल्कुल रेडी है, तो अभी हम हुर्री को लेके चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं कि होता क्या शुगल है वहाँ पे। तो अब हम तैयार हैं बिल्कुल अपने अंदर वॉशरूम जाने के लिए। चलें? नहीं, चलो भाई हम जा रहे हैं अंदर। तो अभी हम जाएंगे अंदर और हुर्री जो है वो फलने लगी है, फलने वाला बिल्कुल इसका प्रोसेस बड़ा हुआ है। दरवाज़ा बंद करते हैं, चलिए हुर्री। जब भी नहाने का सीज़न आता है, मैंने पहले बताया था कि हुर्री थोड़ा तंग कर दी है, तो अभी हमें हुर्री मिल नहीं रही। किधर है हुर्री? हुर्री बाहर आ जाओ, हुर्री। तो हम इसको निकालेंगे बड़े आराम से इस तरह करके, कुछ भी नहीं होगा इसको क्योंकि ये बार बार छुपेगी। तो अब हम नहाना शुरू करें मेरा ख्याल है। तो ये जो इतनी बड़ी बला आपको नजर आ रही है ना, ये देखिए इतनी बड़ी बला है, इतने बड़े बड़े इसके नाखून, इतने बड़े बड़े बाल हैं, जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरेगा फिर आपको इसकी असल हकीकत वाजी होगी कि असल में है क्या। तो जाहिर पे ना जाए, सूरत पे ना जाए, सीरत का सीरत मुलायजा करें इसकी अभी थोड़ी देर में। तो बेसिकली जब हुर्री है, ये देखें, ये वर्सेस ये इसकी औकात है। ये असल में इसकी हड्डियाँ देखें कितनी पतली हैं, लेकिन बालों की वजह से ये परजीन हर जो है वो अच्छी खासी बड़ी लगती है। यार कितनी इसका मुंह देखें, मुंह से अभी भी ठीक लग रही है, लेकिन जो पीछे इसकी हड्डी है बिल्कुल चली थी सी। तो अब मेरे ख्याल में साबुन शाबुन तो बहुत हो गया, तो अब इसको नहलाने का बाकी हम शुरू करते हैं। अब हम इसकी आंखें साफ करेंगे। आंखों में इनके गिड बहुत ज्यादा फंस जाता है, और आंखें साफ कराते हुए जारी को थोड़ा सा मसला तो होता है, लेकिन जरूरी है ये काम करना। इसके मुंह को साफ करने का तरीका होता है कि आप जब भी इसके मुंह को करेंगे पानी डायरेक्टली नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसको पकड़ के बड़े आराम के साथ आपने इसके मुंह के ऊपर ऐसे हाथ फेरना होता है, वरना ये बेचारी खराब होती है और इसको मसला होता है। सो इसके मुंह के ऊपर पानी लेंगे, इस तरह हाथ गीला करेंगे, हाथ गीला करेंगे और उसके बाद इसको सिंपली, इसकी मूछें देखें कितनी बड़ी बड़ी, मजे की
या मूछें, इसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो ये हमारी जी खुरली का नहाना ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। फाइनल इसको वॉश देंगे और उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत तंग हो रही है। चलो भाई दिस इज द एक्चुअल खुरली, ये आपको नजर आ रही होगी। अब शुरू हम करने लगे जी वीआईपी पोर्शन। वीआईपी पोर्शन क्या होता है ये देखो। अब भागने की कोई जगह नहीं बची, अब ये सुकून के साथ अपने आप को खुश करवाएगी और उसके बाद हम चलेंगे बाहर। और अभी मैडम को पता है ये काम हो रहा है मेरा खराब, जिससे भी खुश बाजू भी खुश। और तो बस ये हो गया है गोभी का नहाना मुकम्मल। अभी हम इसको बाहर लेके चलेंगे। ब्लॉग हमारा आज यहीं पे है और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।